हाय गाइस, वेलकम बैक टू टिम्स आइलैंड। सो आज का दिन है व्हाट्स इन माय डे, मम्मा के डे में क्या है। सो अभी आज टुडे इज मंडे, सो आई थॉट कि चलो व्लॉग बनाते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछे थे आप दिन भर करते क्या हो, सो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाया जाए। और ये बनु स्माइल कर रहा है, क्या हो गया क्या पता नहीं क्या। ओके, सो अभी बनू का स्कूल का टाइम है, सो वी आर गेटिंग रेडी। अभी बनी के लिए मैंने बनाया है गर्मा गर्म पराठे, और बस पराठे बनी खा के कहाँ जाएगा बनी? बनू कहाँ जाओगे पराठे खा के? मार्केट स्कूल जाना है, इसको मार्केट जाना है। ओके, सो दिन की स्टार्ट करते हैं, मतलब दिन की शुरुआत करते हैं बीच पहले बनु को स्कूल भेज के। ये हो गया बनु रेडी फॉर द स्कूल, और ये डूफी। बनु गंदे हो जाओगे। सो मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, निकू अपने बच्चे को लेके जा रहा है नीचे घुमाने के लिए। हम लोग दोनों अपना अपना ड्यूटी सेट करके रखे। तो ये है बनू के रूम की हालत, और अब मुझे घर सफाई करना है पूरा, मेस्ड अप होम। हेलो डूफी, हेलो। और इस डूफी को देखो। तो निकू इस टाइम एवरीडे बैडमिंटन खेलने जाता है, अभी मैं तो नहीं जाती उसके साथ। और अभी क्योंकि वो गया नहीं बैडमिंटन खेलने, वो देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो निकू, रुको दिखाती हूँ। ये देखो डॉग साउंड निकाल के डूफी को परेशान कर रहा मैड हाउस। वेल अभी निकू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह 8:30 उसको भूख लग गई आज, क्योंकि उसने कल ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मतलब सॉरी कल डिनर नहीं किया था। सो अभी मैं सोच रही हूँ मैं उसके लिए क्या बनाऊँ। लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू मेक फॉर ब्रेकफास्ट। सर्दियों की मॉर्निंग ऐसी होती है ना, जहाँ कुछ करने का मन नहीं करता, बस गर्मा गर्म पराठे खिला दो। सो आज का हमारा मॉर्निंग ऐसा ही हुआ दैट वी बोथ जस्ट वांटेड टू ईट, सब काम हम छोड़ के वी वर जस्ट ईटिंग, फटाफट पराठे बनाए और खा लिया। और अब निक्कू तो अपने काम पे लग चुका है, उसका ऑब्वियसली ऑफिस आवर स्टार्ट हो गए, एंड मुझे भी अब जाना है, रेडी होना है फटाफट। तो बट यार इतनी ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, पता नहीं क्यों क्या हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यार, और ये थैंक्स टू ऑल द पराठा एंड चीनी जो मैं खा रही हूँ इतने दिनों से, मुझे बहुत सारे वापस पिंपल्स हो गए यहाँ। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट पे भी जाना है आज, क्या होगा। चलो देखते हैं आगे और क्या होता है आज के दिन। सो गाइस, मैं घर के शूट के लिए रेडी हूँ, और ये मेरा बोर्ड भी रेडी है, आज मैं बोर्ड पे शूट करने वाली हूँ। और वहाँ निकू बिजी है विद हिज वर्क, ये रहा। सो मैं बस एवरी डे आई वेट फॉर हिम कि निकी 5 मिनट दे दे प्लीज़ जल्दी से, आई विल फटाफट शूट एंड देन तू वापस यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। सो दैट इज़ हाउ वी शूट एवरी डे। आई एम रेडी विद द सेटअप एंड आई एम रेडी विद एवरी थिंग। उसके कपड़े भी मैंने रख दिए कि तू ये पहन ले। मोस्ट जनरली वो चेंज नहीं करता है, बट समटाइम्स आई एम लाइक प्लीज़ चेंज कर ले एंड देन वी शूट। तुमने खाना खाया? से पूछ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे कॉपी कर। सो गाइज, आफ्टर घर की शूट आई एम रेडी फॉर अ ब्रांड शूट टुडे। आई एम शूटिंग फॉर अ नागपुर ब्रांड एंड ये आई एम रेडी, पूरी रेडी हो गई हूँ, बस नेकलेस पहनना बाकी है। निकी
क्या कर रहे हो? पहनाना जल्दी, लेट हो रहा मुझे। तभी कितने बदमाश है। बाल हटा दे। यस फंस जाए तो मत फंसा। तो मैं जा रही हूँ कैब में अभी शूट के लिए और आई एम वेरी लेट, इट्स ऑलरेडी 12 और यहाँ पे विंटर सेशंस चल रहे हैं नागपुर में, सो बिकॉज ऑफ दैट हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। शूट इज डन एंड अब आई एम गोइंग होम, ऑलरेडी लेट हो गया, इट्स 2 o'clock और बनु घर आ चुका होगा। थैंक्स टू निकू, निकू ने उसे खाना खिला दिया है, मेरी बात हो गई फ़ोन पे एंड बस अब मुझे जल्दी से घर जाना है। बट आई नो अभी बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, लेट्स होप कि मैं घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं एंड देन आई विल मीट माय बनी। बनी मुझे बहुत मिस कर रहा होगा, जाऊंगी मैं, पहला क्वेश्चन ये होगा मम्मा वेर वेर यू, आप कहाँ थे मम्मी, मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो मॉम लाइफ। घर पहुंचने के बाद बनू तो थोड़ा सा गुस्सा हुआ बट देन ही वॉज ओके, समझदार बच्चा है मेरा। और अभी मैं कर रही हूँ पेट पूजा, भी एकदम सो हंग्री, अभी मैं खाऊंगी दाल चावल। दाल चावल नहीं हो तो क्या हो हमारा। ये देखो वेल ये राइस कल की राइस है, कल के राइस को छोक लिया मैंने, छोक लिया मतलब वेजिटेबल राइस बना लिया और दाल है। नाउ इट्स सम टाइम फॉर मम्मा एंड बनू। ये बनू फर्स्ट हो गया। सर्दी हो गई बनू को। तो सारी मॉम ड्यूटी करने के बाद बनू को मैंने सुला दिया है और अब दिस अभी 7:30 बज रहे हैं एंड 7:30 7:45 7 समथिंग पे बनी सो जाता है एंड अब मैं फ्री हो गई हूँ पूरी तरीके से। वैसे मैं इफ़ एनी मॉम इज़ वॉचिंग दिस वीडियो आई विल टेल यू वन थिंग, घर के काम प्रोफेशनल वर्क सब हो जाएंगे बट ये जो बच्चे ना वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, सो उनके साथ टाइम स्पेंड करो एंड गिव दैट क्वालिटी टाइम। पहले ना 2-3-4 महीने पहले मैं उतना ज़्यादा बनी पे नहीं ध्यान दे पाती थी, व्हेन ही यूज़ टू कम बैक फ्रॉम स्कूल मैं थोड़ा अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती थी, बट एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ एंड देन दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, जो बनी का टाइम है वो बनी का टाइम है। सो अब भी क्या है ना, इस टाइम में मतलब जब बनी स्कूल से आ जाता है देन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज़ करूँ एंड मैं उसके साथ रहूँ, उससे बातें करूँ, उसके साथ खेलूँ। ओके सो अभी ना आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर। निकेत वर्क से आ चुका है एंड अभी रिसेंटली उसने जिम ज्वाइन किया है, ये तो अभी वो जिम करने गया है, बेचारे इतना थक गया है सुबह वर्क, फिर उसके बाद फिर शॉप में जो काम एंड देन अभी वापस आके फिर अभी जिम, फिर डूफी महाराज को वो घुमाने लेके जाएगा। हेलो डूफी। फिर डूफी को घुमाने के बाद वो फिर आएगा और फिर वो डिनर करेगा। एंड देन डिनर करने के बाद अगर ज़्यादा वर्क है देन ही विल अगेन स्टार्ट इज वर्क, और अगर ज़्यादा वर्क नहीं है देन वील वॉच सम मूवी एंड देन वील हैव अ नाइस टाइम, और मैं थोड़ा एडिटिंग भी करती हूँ रात में। यस तो लेट्स सी, वो आता है जिम से आने के बाद, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है तो
बस जा रही हूँ मैं खाना खाने। आपको डिनर करते वक्त टीवी देखने की आदत है क्या? जस्ट लाइक मी, मैं तो बिना टीवी देखे खाना खा ही नहीं सकती। तो अभी मैं खा रही हूँ पालक पनीर एंड फलके, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब चालू हो जाए मेरा टीवी। यंग शेल्डन मैंने लगाया। आप क्या देखना पसंद करते हो सबसे ज़्यादा? लाइक व्हाट्स योर फेवरेट सीरियल? कहानी घर घर की? आई डोंट नो बॉ। अभी मैं हिंदी सीरियल्स तो नहीं देख रही हूँ। OTT पे आई वॉच BBT, बिग बैंग थ्योरी, वो मेरा और निक्कू का फेवरेट है। देन समटाइम्स वी वॉच फ्रेंड्स। अभी आई एम वॉचिंग यंग शेल्डन। ये और ये लड़का आ चुका है जिम से, और अब देखिए रील्स देख रहा है वो। निक्की कहने से हाय देखो। निक्कू ये वो बंद करना, एक बार लास्ट ब्लॉग बना लो जल्दी से। सो गाइज, दिस वॉज माई डे, एंड अब मैं फटाफट ये वीडियो एडिट करके मैं पोस्ट भी कर दूंगी टू शेयर हाउ वॉज माई डे, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो चलो, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी मंडे। निकू कैन यू से गुड नाइट? गुड नाइट तो बोल। और आप सब बोलते हो Q&A लाओ, लव स्टोरी लाओ। कैसे लाओ यार, ये लड़का अभी तक बोलना ही नहीं सीखा है। चलो बाय, गुड नाइट।